चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और भूमि की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को पूरे भारत में एक साथ रिलीज किया गया है। फिल्म को लेकर लोगों में जिस तरीके का उत्साह बना हुआ था वो देखने वाली बात थी। शायद इसी उत्साह का असर है कि यह फिल्म लगभग 3000 स्क्रीन के साथ पूरे भारत में रिलीज हुई है। जिस तरीके के विषय पर यह फिल्म बनी है उसे देखते हुए यह स्क्रीन काफी सही लगता है। जितनी स्क्रीन इस फिल्म को मिली है उसके मुताबिक अक्षय कुमार की इस फिल्म को बम्पर ओपनिंग भी मिली है। अगर हम फर्स्ट डे की कलेक्शन की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा ने करीब 20 करोड़ की कमाई कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, तो वहीं दूसरे दिन फिल्म ने करीब 25 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। फिल्म ने अभी तक दो दिन में करीब 45 करोड़ का कारोबार कर चुका है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े स्टारों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती जा रही है, वहाँ इस फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफी सारी उम्मीदें हैं। इंडस्ट्री को लग रहा है कि अक्षय कुमार और भूमि की यह फिल्म एक कारनामा कर सकती है जिसकी उम्मीद पहले की फिल्मों से रही है। आपको बता दें कि फिल्म रिलीज से पहले फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी जिसमें अक्षय कुमार के करीबी दोस्त ने भी शिरकत की। हालांकि फिल्म को यूए में एक दिन पहले ही रिलीज किया गया था जिसे वहां के दर्शक ने बेहद ही ज्यादा पसंद किया।